हेलो गाइस, हेलो डियर एटीपियंस, गुड इवनिंग एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू एट एटीपी स्टार द सुपर लर्निंग प्लेटफॉर्म। प्यारे बच्चों, आज के मैजिक सेक्शन में हम बात करेंगे अबाउट द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर नीट 2020 एग्जाम, दैट इज एनवायरमेंटल इश्यूज। इकोलॉजी का ये वो चैप्टर होता है जिससे हर साल 2 से 3 क्वेश्चन बाहर से आता है, मतलब एनसीईआरटी के भी बाहर से आता है। इसमें हर साल 2 से 3 क्वेश्चन जरूर आपको एनसीईआरटी से बाहर से देखने को मिलेगा। चाहे आप प्रीवियस क्वेश्चन उठाकर देख लो, एनसीईआरटी की इन्फॉर्मेशन तो आती है। अब इससे लगभग 4-5 क्वेश्चन इससे देखने को मिलते हैं। 4 क्वेश्चन आएगा तो पक्का आपको 2 क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलेगा जो आपने एनसीईआरटी में पढ़ा ही नहीं। तो आज के 1 घंटे में हम ये सब कवर कराएंगे आपको एनसीईआरटी के साथ साथ रिलेवेंट आउट ऑफ एनसीईआरटी, कि जहां बच्चा फंसता है, जहां से क्वेश्चन आता है और हर साल क्वेश्चन आता ही चला जाता है। ओके, तो इस सेशन में लास्ट तक जुड़े रहिएगा, आपको खुद को मजा आएगा कि 1 आवर हमारा वेस्ट नहीं गया। 1 आवर में हमने वो सीखा जो हमने आज तक नहीं सीखा, और हमारे प्रीवियस क्वेश्चन सही हुए और हमारे मेन एग्जाम में, नीट मेन एग्जाम में जाके भी आपके सारे क्वेश्चन सही होने वाले हैं। इस चैप्टर से ये पूरी गारंटी है। ठीक है बच्चों, तो इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कीजिए, आपके दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो बिल्कुल लाइक करना, अटेंडेंस मानना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। ओके, यस, तो बहुत सारे स्टूडेंट जुड़ चुके हैं। यस, हेलो प्राची, हेलो निक्की, हेलो प्रथमेश, श्रुति, यश, निशा, प्रवीण एंड मैनी मोर। यस, तो गाइज अभी इस टाइम पर आपको जस्ट पूरी तरीके से फोकस रहना है, अपने प्रिपरेशन पर डरना नहीं है। ओके, बी कॉन्फिडेंट। और आज के सेशन में हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। यस, तो वीडियो को जल्दी से फटाफट से शेयर कर दीजिए आपके दोस्तों में, ज्यादा से ज्यादा और आपके दोस्त जुड़े। यस, जो भी बच्चे जुड़ रहे हैं लाइक करना नहीं भूलें, लाइक करें। और चलिए अब शुरू करते हैं सेशन को। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, इस सेशन में हम बात आपकी आउट ऑफ एनसीईआरटी तो करेंगे, लेकिन एनसीईआरटी की भी बात करेंगे। सबसे पहले ये जो आपको दिख रहा है, इसमें मुझे पता है बहुत सारे बच्चे इसको देख के इस डायग्राम को देखने के बाद बता भी नहीं सकते कि ये क्वेश्चन कभी एनसीईआरटी का है या नहीं है, या एनसीईआरटी से बाहर से है, या फिर ये क्वेश्चन नीट में पूछा गया है नहीं पूछा गया है। चलो मैं सिर्फ बात करूंगा आज। हेलो जुनैद, हेलो रिया, हेलो आकाश, मैं बात करूंगा आज इस तरीके से कि जो आप खुद कहोगे कि सर प्रीवियस क्वेश्चन बना, राइट। अब ये जो क्वेश्चन है ध्यान दीजिएगा, इस पे लिखा हुआ है सेलियंट स्प्रिंग। तो एक बार एक क्वेश्चन आया था शायद 2016 में या 15 में, ये क्वेश्चन आया था नीट में, अंदर बता रहा हूं। देखिए नीट में क्वेश्चन आता कैसे है, आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन ये नहीं है। ये क्वेश्चन आया था साइलेंट स्प्रिंग, ये बुक का नाम है, इसकी राइटर है ये रचेल कार्सन इसकी राइटर है। ये नीट में क्वेश्चन आ चुका है और रिसेंटली आया है 2015 में, याद रखिएगा। और इससे पूछा था, क्या पूछा था, इसकी इंफॉर्मेशन इसके अंदर नहीं है। उसने पूछा था कि ये जो बुक है इसमें किसके बारे में बताया गया है, या ये बुक किसके बारे में बताती है। तो ये बुक बताती है एक्चुअल में पेस्टिसाइड यूज के बारे में बताती है, मतलब हमको पेस्टिसाइड कैसे कम करने चाहिए, पेस्टिसाइड कंट्रोल के बारे में बताती है। ध्यान दीजिएगा, इसको याद कर लेना, अच्छे से लिख लेना, रिपीट हो सकता है, क्वेश्चन आ सकता है। और आएगा तो आपको, क्योंकि आपको भी टीचरों ने बताया नहीं होगा, वही रटी रटाई कहानी बताई होगी जो बच्चों से पढ़ाते आए हैं, तो बस वही फिर तुम भूल जाओगे। ओके, तो सेलिएंट स्प्रिंग जो है बुक है, रचेल कार्सन ने लिखा था। इस बुक को पब्लिश हुए बहुत टाइम हो गया, 1962 में पब्लिश हो चुकी थी। ओके, और इस राइटर का नाम है रचेल कार्सन, याद रखिएगा। सब्जेक्ट क्या है इसका, पेस्टिसाइड। इकोलॉजी एनवायरमेंट तो है, उसके अंदर भी क्या है, पेस्टिसाइड के बारे में इसने मेनली बात की थी। बात आया समझ में? तो इस बुक से आपसे क्वेश्चन आ चुका है, तो मेक इट क्लियर कि आपको ये चीज समझ में आए। ओके, यहां मैं आपको समराइज करूंगा, बहुत सारी बातें, ऐसी बात नहीं, आपकी एनसीईआरटी को भी कवर अप कराया जाएगा, ठीक है, डोंट वरी। चलो मैं अब आपकी एनसीईआरटी पे चलता हूं यहां से, और फिर मैं आपको रिलेवेंट जो भी मैं पीपीटी में पूरा रेडी करके लाया हूं आपके लिए, जो आपके नीट एग्जाम के लिए जरूरी है वो नहीं बताऊंगा, तो फिर एनसीईआरटी फिर आपको कोई भी टीचर पढ़ा देगा, है ना, फिर भी उसमें से क्वेश्चन बाहर से आएंगे, फिर तुम गलत कर दोगे। तो मैं नहीं चाहता तुम्हारा बाहर वाला क्वेश्चन भी गलत हो और ना ही तुम्हारा अंदर वाला क्वेश्चन गलत हो, सारे के सारे क्वेश्चन तुम्हारे बने मेन एग्जाम में जाके। यहां से क्वेश्चन आता है, बहुत फेमस है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, याद रखिएगा, 1986, इंपॉर्टेंट है। सारे जितने भी यहां पर ईयर लिखे हुए हैं मोर इंपॉर्टेंट है, मोर इंपॉर्टेंट। अब यहां से सुन लीजिए,
यहां से भी सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको क्या समझनी है मैं बता देता हूं। ये दोनों डायग्राम इंपॉर्टेंट है, एक होता है स्क्रबर और एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेशन। दोनों का प्रिंसिपल अलग अलग होता है। स्क्रबर जो होता है ऐसी गैसों के लिए, जैसे ये SO2 लाइक, तो ये भी क्वेश्चन बहुत पूछता है कौन सी गैसों के लिए, SO2 लाइक गैसों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। इसमें क्या होता है, ऐसे डल्टी एयर आई, ठीक है, और इधर से आपका वाटर लाइम। अब ये वाटर लाइम लिखा हुआ है, वाटर लाइम आपने पढ़ा होगा, राइट, चूने का पानी, वाटर लाइम आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। वो क्या करता है, CA वाटर लाइम क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ना, जो कि आपके CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है या अदर गैसेस को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो वैसे उसमें CO2 वगैरह अदर गैसेस को एब्जॉर्ब कर लेता है, ओके। और स्प्रे है तो जो भारी पार्टिकल्स है नीचे बैठ जाते हैं और गैस ऊपर चली जाती है, ये इसका प्रिंसिपल होता है स्क्रबर, ओके। इसमें समझोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेशन में क्या होता है, बहुत हीट किया जाता है इस पार्टिकल को। जब इस पार्टिकल को हीट किया जाता है तो पार्टिकल दो चीजों में, इस तरीके से अंदर वाला पार्ट बहुत हीट होता है, उसमें उसको कहते हैं नेगेटिव चार्ज पार्ट है, उसके ऊपर बहुत वो हीट निकालता है, वो उसका पार्ट कहलाता है कोरोना, है कोरोना। ध्यान देना, ये डस्ट जो पार्टिकल है जो कि नॉन आयनाइजिंग है उसको आयनाइज कर देता है, ये समझे, मेरे खुद माना कि नेगेटिव है तो सामने वाले को पॉजिटिव कर देता है आयनाइज करके, उसको चिपक जाता है, ये इसका प्रिंसिपल होता है। इस तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेशन, ये इसका प्रिंसिपल होता है काम करने का। बात आया समझ में, तो इस पर भी ध्यान दीजिएगा, यहां से क्वेश्चन पूछता है, नॉमेनक्लेचर से क्वेश्चन आता है, वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट है, गेटिंग माई पॉइंट, ओके। और यहां से क्वेश्चन आता है ये CpCb, इसके अकॉर्डिंग 2.5 माइक्रोमीटर से छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे लंग्स के लिए बहुत खतरनाक होते हैं और उन्हीं से होती है हमको COPD। मैंने आपको पढ़ाया था रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में क्रॉनिक ऑक्यूपेशनल पल्मोनरी डिजीज जो होती है वो 2.5 माइक्रोमीटर से छोटे वाले जो पार्टिकल्स होते हैं उनसे होती है, वो हमारे एल्वियोली में जाकर जमा हो जाते हैं। और COPD में क्या होता है, सीधा याद रखना ये कॉन्सेप्ट, ये आपको नहीं पता तो फिर गलत है आंसर आपका, फाइब्रोसिस, ये इंपॉर्टेंट है, COPD में होता है फाइब्रोसिस, ये इसलिए अलग दूसरी बीमारियों से आपको अलग करता है। गेटिंग माई पॉइंट, ओके। यहां से ये बहुत पूछेगा आपका एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट 1981। अब ध्यान रखना, पहले हम क्या करते थे, जो नॉइज पॉल्यूशन होता था उसको अलग रखते थे, लेकिन अब नॉइज पॉल्यूशन को एयर पॉल्यूशन के अंदर ही माना जाता है, ओके। कब ऐसा 1987 में किया गया था, एयर पॉल्यूशन तो 1981 है लेकिन बाद में इसको 1987 में नॉइज को भी इसमें ऐड कर दिया, एयर के अंदर ही ऐड कर दिया, ओके, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। दूसरा है 150 डेसिबल से ज्यादा का यदि आप साउंड सुन रहे हैं तो आपके ईयर को डैमेज कर सकता है। ये सारी कहानी मैं आपको यहां से बता देता हूं कि पूरा साउंड वगैरह का जो क्वेश्चन आपसे गलत होता है बार बार वो अब गलत नहीं होगा। इधर आ जाइए, इधर देखिए, ध्यान से सुनिए और समझिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है आपके। देखिए, जब बिल्कुल वेरी क्वाइट एटमोस्फियर है, जैसे आप बात करते हैं कि भाई कोई भी मतलब ब्रॉडकास्ट स्टूडियो वगैरह बिल्कुल जहां पर कोई एंकर न्यूज पढ़ रहा है, बिल्कुल साइलेंट है माहौल, राइट, तो वो क्या 20-30 डेसिबल होगा, राइट, ओके, साइलेंट बिल्कुल हॉस्पिटल वगैरह लाइब्रेरी वगैरह जहां आप पढ़ाई कर रहे हैं वो 30-35 होगा। यहां से क्वेश्चन तो आता नहीं है, क्वेश्चन आता है आपसे अनकंफर्टेबल, मॉडरेटली लाउड और पेनफुल। तो अनकंफर्टेबल, जैसे एयरक्राफ्ट उड़ रहा है तो आप समझ लीजिए कि 100 डेसिबल से ज्यादा है, जबकि कोई रॉकेट है या जेट प्लेन है तो वो काफी पेनफुल सिचुएशन होती है, वो 130 डेसिबल, ये सब आपके लिए याद रखना है। जो नॉर्मल आप बोलते हैं वो 60 डेसिबल होता है, मॉडरेटली लाउड यानी ट्रैफिक वगैरह हैवी ट्रैफिक है तो वो 70-90 डेसिबल। तो यहां से क्वेश्चन आता है जो आपको प्रॉब्लम पैदा कर लेता है, तो यहां समझ गए आप 130 से ऊपर काफी पेनफुल है सिचुएशन, ओके। तो वही बात जो है आपको इधर NCERT खुद कह रही है आपको 150 ऊपर दे रखा है उन्होंने, 150 सही है, वैसे 130 से ऊपर भी जो है काफी खतरनाक होता है, वो आपके क्या कर सकता है, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन को डैमेज कर सकता है। वैसे आपके इंफॉर्मेशन के लिए बता देता हूँ, यदि आप ऐसा सोचें कि सर एयरफोर्स में जो लोग काम कर रहे हैं फिर वो लोग उन लोगों के कान क्यों नहीं डैमेज हो रहे हैं, यही सोच रहे हैं ना, राइट, तो वो तो हेडफोन वगैरह भी यूज करते हैं, उसके अलावा भी वहां पर जो कर्मचारी होते हैं एयरपोर्ट के आसपास उनके कान क्यों नहीं खराब होते हैं, उनके कान इसलिए नहीं खराब होते हैं, जस्ट आपके एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में बता रहा हूँ कि होता क्या है, स्टेपेडियस जो आपने मसल पड़ी है, नहीं जानते होंगे आप स्टेपीज तो जानते होंगे, मेडियस इंकस और स्टेपीज, वहां पर एक मसल मिलती है स्टेपेडियस मसल, है ना, ये ENT में 3rd MBBS में जाके पढ़ोगे तुम। स्टेपेडियस जो मसल्स होती है, जैसे ही इतना साउंड आता है तो वो मसल्स क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं, जब मसल कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है तो आप स्टेपीज फिक्स हो जाती है, स्टेपीज फिक्स हो जाती है तो मेडियस इंकस भी फिक्स हो जाती है, तो जो साउंड आती है बाहर से वो आगे बोन मूव ही नहीं कर रही, तो आगे साउंड का कंडक्शन ही नहीं होता, तो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन तक साउंड पहुंचती ही बहुत कम है, इसलिए ये स्टेबिलिटी रिफ्लेक्स कहते हैं इसको, जो हमें बचाता है, हमारे टिम्पेनिक मेम्ब्रेन कान के पर्दे को फटने से बचाता है, ठीक है। चलिए आगे चलिए, आगे यहां पर दे रखा है आपको CNG, तो CNG से भी क्वेश्चन आता है, CNG इतना इंपॉर्टेंट क्यों है कि CNG को चोरी
करेंगे आप तो उसकी बदबू बहुत आती है, स्मेल आती है, इसकी कुछ चोरी करना ही मुश्किल है। और ये वैसे भी खरीदने में भी सस्ती होती है और ये बर्न भी कम्प्लीटली हो जाती है, ठीक है। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि टोटली ये CO2 वाटर में कन्वर्ट हो जाती है। ये CNG के फायदा होते हैं, इसलिए आपने सिटी में देखा होगा CNG वगैरह के जो ऑटो वगैरह चलते रहते हैं। ओके, अब यहां से बहुत क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना, और बहुत गड़बड़ करता है बच्चा। यूरो थर्ड आपसे पूछेगा, ध्यान रखना मैं यूरो थर्ड बोल रहा हूं। यूरो थर्ड के अकॉर्डिंग तो क्या है कि सल्फर की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? सल्फर की, कि सल्फर 350 ppm होना चाहिए। किसमें? डीजल में। तो डीजल में सल्फर तो होना चाहिए 350 ppm, किसके अकॉर्डिंग? यूरो थर्ड के अकॉर्डिंग, 4 के अकॉर्डिंग नहीं। जब हम बात करते हैं पेट्रोल की, तो पेट्रोल में सल्फर होना चाहिए 150 ppm अकॉर्डिंग टू यूरो थर्ड। ओके, फिर बात करते हैं एरोमेट्रिक हाइड्रोकार्बन। तो एरोमेट्रिक जो हाइड्रोकार्बन है वो 40% होना चाहिए, जो भी आप कॉन्सेंट्रेटेड जो फ्यूल ले रहे हैं, फ्यूल में 42% आपके एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होने चाहिए। उसके बाद में आगे गोल है, क्या गोल है? कि सल्फर को 50 ppm तक रिड्यूस करना है, ठीक है, चाहे पेट्रोल हो चाहे डीजल हो, दोनों में 50 ppm तक उनको रिड्यूस करना है, ठीक है। और उनको रिड्यूस करते करते आगे तक इनका वैल्यू 35% तक लेके आना है, ठीक है, आगे तक का ये गोल है। उसके बाद में भारत स्टेज सेकंड, यानी कि मास एमिशन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग भारत स्टेज जो सेकंड है वो यूरो सेकंड है। जैसे यूरो यूरोप में था यूरो सेकंड यूरो थर्ड, ऐसे ही भारत स्टेज सेकंड भारत स्टेज थर्ड, है ना, वो इक्विवेलेंट होते हैं। आजकल वो एक्सेप्टेबल नहीं है, वो और आगे तो अब बहुत आ चुका है, 4 तक आ चुका है। तो ये पूरा आप लिस्ट बना हुआ है, 4-व्हीलर के लिए भारत स्टेज 4 होता है, 3rd-व्हीलर के लिए भी भारत स्टेज 4 है, 2-व्हीलर के लिए 4, अभी अप टू डेट है ना, अभी 4 को मानते हैं अपन। ये कब? 2017 इसमें है, जबकि पुरानी NCERT में आप देखोगे तो आपको 10 देखने को मिलेगा, 2010। इसमें भी मैं आपको बता देता हूं, इसमें भी और कौन कौन सी बातें आप याद रख सकते हो, तो ये भी आपके लिए कुछ काम का हो सकता है। हाँ, जैसे ये अपने पास पुराना डाटा है, ठीक है, तो इस पुराने डाटा में यदि आप ध्यान से देखोगे, मैं आपको इधर दिखा देता हूँ, इस पुराने डाटा में यदि आप ध्यान से देखोगे, ध्यान से समझिएगा, अभी जो मैंने पढ़ाया वो तो NCERT का अप टू डेट है, लेकिन पुराने डाटा को देखोगे तो भारत स्टेज 3rd आया था 4-व्हीलर के लिए, फिर बाद में 4 आया था, 4 जो चला है वो 13 मेगा सिटीज में चला है, जिसमें दिल्ली, NCR, ठीक है ना, बॉम्बे, कोलकाता, चेन्नई, बैंगलोर, सूरत, कानपुर, आगरा, लखनऊ, सोलापुर, ये 2010 में ही हो गया था। 3rd-व्हीलर के लिए 3rd आया था, ये भी 2010 में ही था, 3rd, 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 ये सब 2010 में ही था, और 4-10 में आ चुका था, जो अप टू डेट है। अब तो क्या है, सबके लिए भारत स्टेज 4 चल रहा है, ठीक है, करंटली। तो करंटली आपको 2017 है, अप टू डेट NCERT में, याद रखिएगा, गड़बड़ नहीं करना है। ओके, चलिए और आगे बात करते हैं वाटर पॉल्यूशन और उसके कंट्रोल की बात करते हैं। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि आपका वाटर पॉल्यूशन जो एक्ट है ये 1974 बहुत इंपॉर्टेंट है, और 1% भी यदि ऐसी इंप्योरिटीज हैं हमारे वाटर के अंदर, 1% मैं बात कर रहा हूं, सिर्फ 0.1%, तो अभी वो पानी पीने लायक नहीं है, 0.1% पे ही वो पीने लायक नहीं है, और इंप्योरिटीज के डिफरेंट टाइप हो सकते हैं। ये भी आपसे पूछ सकता है, बताइए क्लोथ कैसा है तो कॉलोडियल है ना, बताइए कैल्शियम कैसा है तो डिजॉल्व मटेरियल में आ जाएगा, सैंड या क्ले किस में आएगा, सस्पेंडल, इंप्योरिटीज के टाइप भी आपसे पूछ सकता है। ओके, यहां से जो डायग्राम है, ये डायग्राम बहुत पूछता है बच्चों से, दोनों चीजें यहां पर गड़बड़ करता है बच्चा, मैंने देखा है, BOD और आपका डिजॉल्व ऑक्सीजन दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। देखिए BOD क्या होता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है, 1 लीटर कचरे को प्यूरिफाई करने के लिए बैक्टीरिया कितना ऑक्सीजन डिमांड करेगा वो उसका BOD है, यानी कि BOD, ध्यान रखिएगा, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, राइट, इसमें समझ गए आप। तो यदि किसी का, हमें करना क्या है, हम लोग करते क्या, देखिए यहां पर, देखिए यहां पर आप कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है, ये सीवियर डिस्चार्ज है, ठीक है, अब इसको थोड़ा सा आप नीचे करोगे तो आप देख पा रहे हैं, ऊपर वाले से थोड़ा समझना, थोड़ा देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं, फिश किल, मछलियां मर रही हैं, डिसअपीयर हो रही हैं ऑफ क्लीन वाटर ऑर्गेनिज्म, यहां पर देख रहा है रीअपीयरेंस ऑफ क्लीन वाटर ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब क्या है कि हमको BOD जितना ज्यादा होगा, समझ लीजिए पॉल्यूशन भी उतना ही ज्यादा होगा, समझ रहे हैं मेरी बात को, हमको क्या करना है, BOD को कम करना है, जहां BOD मैक्सिमम था वहां पर पॉल्यूशन मैक्सिमम था, और उस एरिया में रहने वाली मछलियां या जो ऑर्गेनिज्म हैं वो मर रहे थे, क्योंकि उनके लिए बायोलॉजिकल जो BOD बढ़ा हुआ था, खुद के लिए डिजॉल्व जो ऑक्सीजन था वो कम था, यानी कि डिजॉल्व ऑक्सीजन मिनिमम था, राइट। जैसे जैसे पानी में डिजॉल्व ऑक्सीजन बढ़ रहा है और BOD घट रहा है, वैसे वैसे वो जो एनिमल्स हैं उस एरिया में वो फिर से आ रहे हैं, फिर से रीअपीयर होना शुरू हो रहे हैं, राइट, ये तो आप लोग जानते ही हैं। जैसे
आपने सुना होगा क्या, जैसे आपके एल्गी हैं तो एल्गी पॉल्यूटेंट एरिया में ग्रो नहीं करते, जहाँ पॉल्यूशन ज्यादा है उस एरिया में ग्रो नहीं करते। तो एल्गी क्या है, एक तरीके के आपके मार्कर हैं, है कि नहीं है? यस, वैसे ही मैं आपको यहां भी कुछ चीजें बता सकता हूं, कुछ मार्कर्स जो आपके लिए काम आएंगे। आपकी आउट ऑफ एनसीईआरटी है वो, ठीक है ना, एनसीईआरटी में आपकी वो नहीं है, लेकिन आउट ऑफ एनसीईआरटी डेफनिया, डेफनिया बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, डेफनिया इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए मैं इधर दिखा देता हूं आपको कि जो डेफनिया है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कि डेफनिया जो होता है वो भी इंडिकेटर होता है, और इसमें बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन भी हम बताएंगे, ठीक है। देखिए डेफनिया, ट्रॉट फिशेस, लार्वा ऑफ स्टोन फ्लाई, ये मैं मजे मजे के लिए नहीं बता रहा बेटा, ये क्वेश्चन सब आ चुके हैं नीट में और आपसे पूछेगा, आप मुझे याद करोगे कि सर 1 आवर में सर ने ऐसा पढ़ाया कि हमारे क्वेश्चन बने मैंने एग्जाम में जाके। डेफनिया, ट्रॉट फिशेस, लार्वा ऑफ स्टोन फ्लाई, ध्यान रखिएगा, आर द फ्रेश वाटर इंडिकेटर, मतलब ये यदि आपको कहीं पे मिल रहे हैं, ये क्वेश्चन कई बार आ भी चुका है, आएगा भी, ये ज्यादा मिल रहे हैं समझ लो पानी फ्रेश है। और ट्यूबीफैक्स, एक तरीके का एनिलिड है, ठीक है, क्रोनोमस लार्वा, इकोलाई, फंगस वगैरह, ये सलजवा, ब्लडवा, समझ लो कि वहां पर पॉल्यूटेंट वाटर ज्यादा है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप चाहोगे तो मैं इसकी पीडीएफ जो डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, लेकिन अभी पूरा ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ओके? तो ऐसा आपको जो है चीजें क्लियर होनी चाहिए दिमाग में। अब आगे चलिए आपकी एनसीईआरटी पर, और यहां से आपको कुछ और भी बातें देखने को मिलेंगी। यहां से एक बच्चा जो बहुत गलती करता है, बच्चा उस पर ध्यान देता ही नहीं है, ये नाइट्रेट और फॉस्फोरस, मैंने बहुत सारे बच्चे देखे हैं, जब नाइट्रेट और फॉस्फोरस डिजॉल्व पानी में बहुत ज्यादा जब मिलते हैं, नाइट्रेट और फॉस्फोरस, समझ लेना वहां पर पॉल्यूशन उतना ही ज्यादा मिलेगा, याद रखना है चीज को, ठीक है, वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट है ये। बीओडी आप सब लोग जानते हैं, बीओडी की डेफिनेशन पढ़ जाइएगा, ओके। यहां से इंपॉर्टेंट है एल्गल ब्लूम, एल्गल ब्लूम भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जब वहां पर न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो वहां पर बहुत ज्यादा एल्गे ग्रो करने लग जाते हैं, तो एल्गल ब्लूम भी एक तरीके का पॉल्यूशन को ही बता रहा है, ज्यादा पॉल्यूशन है या वो पर्टिकुलर जो एनवायरमेंट है वो बहुत ज्यादा रिच है, ये आपको दिख रहा है, एल्गल ब्लूम का एक टिपिकल एग्जाम्पल है जो आपको दिख रहा होगा, सिटी में ज्यादातर देखने को मिलता ही है। यहां से टेरर ऑफ बेंगल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सब लोग जानते हैं, यस। अब यहां से सबसे और इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो बच्चा छोड़ के चला जाता है ये वाला, वो यही नहीं जाता हैवी मेटल का डेफिनेशन क्या है, इनकी डेंसिटी 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से ज्यादा होती है तो वो हैवी मेटल कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल मरकरी है, कैडमियम है, कॉपर है, ये लेड, आपको याद आ रहा है लेड, तो लेड जो होता है कैटालिटिक कन्वर्टर, याद आ रहा है, तो कहते ना लेड फ्री पेट्रोल क्यों चाहिए, क्योंकि जो कैटलिस्ट होते हैं जैसे रोडियम है, प्लेटिनम है, उनको काम नहीं करने देता, उनको इनहिबिट करता है उनका फंक्शन, ओके। तो यहां पे इनका याद रखना, ये लेड हैवी मेटल में आता है, मेक इट क्लियर, ओके। फिर यहां से आपका क्वेश्चन आता है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, सॉरी बायो मैग्निफिकेशन, तो बायो जो मैग्निफिकेशन होता है, दो चीजें यहां बच्चा गलत करता है, बायो फोर्टिफिकेशन एंड बायो मैग्निफिकेशन, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। बायो फोर्टिफिकेशन होता है कि हम किसी फूड में हम उसका प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल सबको बैलेंस करके चल रहे हैं, न्यूट्रिशंस को बढ़ा रहे हैं, उसको न्यूट्रिशंस वैल्यू को बढ़ा रहे हैं, वो है बायो फोर्टिफिकेशन। लेकिन हम यहाँ पे कह रहे हैं बायो मैग्निफिकेशन, तो बायो मैग्निफिकेशन ऐसे सब्सटेंस का होता है जिनका मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता, तो वो धीरे 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 हर ट्रॉपिक लेवल पर उनका वैल्यू बढ़ता चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे हम बात करते हैं डीडीटी, तो डीडीटी का बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए जो वाटर में था डीडीटी 0.003 बी है, पीपीबी ना कि पीपीएम, फिर भी बच्चे से गलत करता है, रट लेता है पूरा पीपीएम पीपीएम करके आ जाता है, तो शुरू पीपीबी से हुआ है ना कि एम से। अच्छा फिर आप देख रहे हैं इनको खाने वाले कौन है, मतलब इनको पानी में रहने वाले कौन है, जू प्लैंकटन, तो जू प्लैंकटन में 0.04 ppm है, पीपीबी नहीं है, फिर कह रहा हूं मैं शुरू में 0.003 था, फिर 0.04 ppm हो गया है, कहां, जू प्लैंकटन पर, ओके। उसके बाद में आपका आया है स्मॉल फिश, छोटी मछलियां जू प्लैंकटन को खा जाती हैं और उनमें डीडीटी बढ़ गया कितना 0.5 ppm। उसके बाद में लार्ज फिश, तो लार्ज फिश में आया है आपका 2 ppm, लेकिन यहां से आया था क्वेश्चन, क्वेश्चन यहां से दो तरीके से क्वेश्चन आए थे, एक तो क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है कि लार्ज फिश में कितनी डीडीटी कॉन्सेंट्रेशन मिलेगी, या स्मॉल फिश में कितनी मिलेगी, या जू प्लैंकटन में कितनी मिलेगी, ये तो आपके एनसीईआरटी में लिखा ही हुआ है, क्वेश्चन ये नहीं था, क्वेश्चन था सी, मेरी बात पे ध्यान देना, ये जो सी गल है इस सी गल में कॉन्सेंट्रेशन कितनी मिलेगी, ये क्वेश्चन 2016 नीट सेकंड के पेपर में आया था,
याद रखना। अब यहाँ सी गल तो कहीं दे नहीं रखी, तो बच्चा इसको देख के डर जाता है कि सी गल आया कहाँ से, प्रॉब्लम क्या है। तो ये जो खाते हैं जैसे बाज वगैरह जो होते हैं जो मछलियों को भी खा जाते हैं, वो ऐसे एनिमल उनको कहते हैं सी गल। वो खुद मछली नहीं है, मछलियों को भी खाने वाले एनिमल है सी गल। तो मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन आपको सी गल में देखने को मिलेगी। जिन बच्चों को लग रहा है अभी जो एग्जाम देने जा रहे हैं, देख लेना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन 16, 17, 18, 15, 16, 17, 18, 19 तक के, अपने आप महसूस हो जाएगा कि क्या पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो जितने भी बाहर की चीजें हैं वो सब मैं कवर करा रहा हूँ विद एनसीईआरटी आल्सो। ओके, यहाँ देखिए यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन ये होता है आपकी वजह से हो रहा है, मैन की वजह से हो रहा है। बहुत ज्यादा कचरा केमिकल्स वगैरह वहां पर हम डालते चले जा रहे हैं, और जो लेक वगैरह हैं वो धीरे धीरे उनमें पानी कम होता जा रहा है, ऑर्गेनिक मैटर बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, तो ये मैन की वजह से, यानी कि एंथ्रोपोजेनिक, एंथ्रो जो वर्ड आता है एंथ्रोपोजेनिक यानी कि ह्यूमन की वजह से, और फास्ट होता चला जा रहा है, बहुत ज्यादा जल्दी हो रहा है। इसमें भी नाइट्रोजन फास्फोरस वगैरह ज्यादा देखने को मिलता है, तो इसे अपन कहते हैं कल्चर या एसिलेटेड यूट्रिफिकेशन, जो कि घरों से जो कचरा निकल रहा है उनकी वजह से और ज्यादा फास्ट हो रहा है। ओके, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद में आपको दे रखा है वेस्ट वाटर का जो मैनेजमेंट दे रखा है। तो वेस्ट वाटर में क्या होता है, तो पहले तो हम लोग क्या करते हैं उस कचरे को वैसे ही अलग कर लेते हैं, कन्वेंशनल सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन, क्लोरीन वगैरह डाल लेते हैं, ये तो अपना पहला काम हो गया। दूसरे काम में अपन जो है यूज करते हैं बायोलॉजिकल मेथड, ये तो अबायोलॉजिकल मेथड है, समझ रहे हैं आप। इसमें तो आपने कोई ऑर्गेनिज्म, जिंदा ऑर्गेनिज्म काम में नहीं लिया, लेकिन सेकंड मेथड आपका बायोलॉजिकल मेथड है, इसमें आप जिंदा ऑर्गेनिज्म काम में लेते हैं, यानी कि आपके बैक्टीरिया फंगाई वगैरह जो होते हैं ना ये यहाँ पर काम करते हैं। बताया समझ में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए यहाँ पर फॉर्म, ये फॉर्म क्या होता है, फ्रेंड्स ऑफ आर्कटिका मास, इन्होंने पूरा 60 हेक्टेयर में पूरा जमीन लिया, और जो सीवेज का कचरा आया क्लोरीन वगैरह से साफ करने के बाद वहां पर फंगस वगैरह एल्गी बैक्टीरिया ग्रो कराया, उन्होंने उस ऑर्गेनिक मैटर को खा लिया और वो पानी सही हो गया। बताया समझ में, तो ये आपको याद रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछता है। उसके बाद में इकोलॉजिकल टॉयलेट जो है, इकोसेन, इकोसेन कहाँ है फिलहाल, केरला श्रीलंका में, ठीक है ना, इसमें भी आपको याद रखना है, यहाँ से भी ये क्वेश्चन आता है। उसके बाद में सॉलिड वेस्ट से क्वेश्चन आता है, क्या आता है, सैनिटरी लैंडफिल। तो सैनिटरी लैंडफिल जो किसके लिए होते हैं, इसमें करते क्या है, यह किसका सब्स्टिट्यूट है। सैनिटरी लैंडफिल होता है गड्ढे को खोद करके उसके नीचे चीजों को दबा देना, कचरे को दबा देना, ये किसका सब्स्टिट्यूट था। हम लोग क्या करते थे, पहले कचरे को जला देते थे, उससे और एयर पॉल्यूशन फैल रहा है जो कि गलत बात है। तो ये हम जो बर्न करते हैं कचरे को, उसका सब्स्टिट्यूट है कि भाई गड्ढे में खोद करके उसको दबा दीजिए। तो ये सैनिटरी लैंडफिल किसका अडेप्टेड एज द सब्स्टिट्यूट फॉर ओपन बर्निंग डैम्स। ओके, याद रखना, ये भी क्वेश्चन बच्चे गलत करके आते हैं मैन एग्जाम में। अब यहाँ से देखिए कचरा दो तरीके का है, वैसे बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल, लेकिन एक कचरा बीच में होता है जो दोनों का कनेक्टिव लिंक है, यानी कि रिसाइकिल भी हो जाता है, तो रिसाइकिल भी याद रखना। यहाँ क्या कहानी लिखी हुई है मैं बता देता हूँ। जो डेवलप कंट्री हैं, यूएसए है, ठीक है, इंग्लैंड है, ब्रिटेन वगैरह है, इन लोगों के पास जो ये लोग क्या करते हैं, अपने कचरे को, जैसे एप्पल का फ़ोन है, चाहे अच्छे अच्छे लैपटॉप्स हैं वहाँ पर ख़राब हो जाते हैं, उनको जो बेचारे डेवलपिंग कंट्रीज हैं, इंडिया है, श्रीलंका है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, उनको बेच देते हैं, उनको दे देते हैं। वो लोग क्या करते हैं, फिर यहाँ पर उनको मजदूर लोग होते हैं, हाथ से उनको निकालते हैं, तो बहुत सारे केमिकल, छोटा छोटा केमिकल बेटा आँख में चला गया, कॉर्नियल अल्सर, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो ऑप्थोलॉजी में पढ़ोगे, ठीक है ना, छोटा सा पिन भी चुभ गया तब भी दिक्कत हो सकती है। तो वैसे क्या है कि उन मजदूरों के लिए खतरनाक भी है, और बहुत सारे उसमें केमिकल्स निकलते हैं, रेडिएशन से निकलते हैं, बच्चे केमिकल्स को अंदर ले लेते हैं, तो उनको लैरिंग्स का भी कार्सिनोमा हो सकता है, बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो ऐसा इसमें लिखा हुआ है, लेकिन क्या करें। अच्छा, दूसरी यहाँ पर वही बात कहना चाहो, ई वेस्ट के बारे में यहाँ सारी बातें लिखी हुई हैं, तो हमको उनको प्रॉपर तरीके से डिस्पोज करना चाहिए। ओके, फिर यहाँ से प्लास्टिक वेस्ट के बारे में केस स्टडी आपको दे रखी है, क्या दे रखी है, अब उसको नाम याद रखना, अहमद खान, याद रखना वो अहमद खान था, कहाँ काम कर रहा था वो भी आपको याद रखना है, और उसने क्या किया था, उसने क्या किया था, पॉलीथीन को पिघला दिया था, और उसने क्या बना दिया था, एक्चुअली उसको पिघला करके पाउडर बना दिया था, जिसे कहते हैं पॉली ब्लेंड। तो सिर्फ पॉली ब्लेंड से उसने सड़क नहीं बनाई थी, उसने पॉली ब्लेंड के साथ साथ कोयला, कार्बन भी यूज किया था, बिटोमिन, याद रखना उसने बिटोमिन भी यूज किया था साथ में, यहाँ पर लिखा हुआ बिटोमिन, ये बिटोमिन भी उसने यूज किया था, बिटोमिन और पॉली ब्लेंड दोनों यूज किए थे। तो यहाँ इंपॉर्टेंट है कि बिटोमिन ने ऐसा किया क्या, बिटोमिन ने उस पॉली ब्लेंड की जो वाटर रिपेलिंग जो कैपेसिटी है उसको और बढ़ा दिया, तो रोड बरसात में खराब ही नहीं होता था, तो ऐसे रोड सालों साल चलते थे, समझे। अभी उनके पास इस बिटुमिन की कमी पड़ रही है, तो अभी वो लोग क्या कर रहे हैं, 0.4 पर किलोग्राम के हिसाब से पॉलीथीन ले रहे हैं लोगों से, और इसको उन्होंने अब तक 40 किलोमीटर लंबी बेंगलोर में वो सड़क बना चुके हैं, और उन्होंने एक इंजीनियरिंग कॉलेज का भी इसमें योगदान लिया था। ऑब्वियसली बीटेक वाले ही काम करेंगे, डॉक्टर तो इसमें काम करेंगे नहीं ना, तो इंजीनियरिंग कॉलेज भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब आगे चलिए,
आगे इसमें ये अभी कोई इंपॉर्टेंट बात है नहीं, यहाँ पर एक ऑर्गेनिक फार्मिंग का भी आता है जिसका प्रिंसिपल होता है जीरो वेस्ट प्रोसीजर। इसमें क्या होता है, एक का आउटपुट दूसरे के इनपुट की तरह काम करता है, मतलब एक का प्रोडक्ट दूसरे के लिए रिएजेंट की तरह काम करता है, इस तरीके से मान सकते हैं। या किसान का नाम याद रखना है रमेश चंद्र डागोर, ये क्वेश्चन भी आता है। इसके अभी इस कलम में कितने किसान जुड़ चुके हैं ये भी क्वेश्चन आता है, 5000 किसान अभी जुड़ चुके हैं, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं, यू नो वेरी वेल, ओके। चलिए यहां से रेडियो एक्टिव से क्वेश्चन आता है, एक ही क्वेश्चन आता है यहां से कि भाई इनको रेडियो एक्टिव जो होते हैं इनको कितना नीचे गाड़ के रखते हैं, तो 500 मीटर की गहराई में हम इनको गाड़ के रखते हैं अंदर जमीन में, जैसे रेडिएशन ऊपर तक ना आ जाए, ये 500 मीटर डीप, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। दूसरा है ये एक्सीडेंटल लीकेज वाले क्वेश्चन आते हैं, 3 माइल आइसलैंड एंड ये चार्नोबिल इंसिडेंट, ओके। याद रखना ये क्या थे कि रेडिएशन लीक हो गया था, है ना, ये रेडिएशन लीक के इंसिडेंट है ये, तो ये क्वेश्चन आता है, और कोई क्वेश्चन यहां से नहीं बनता, ओके। उसके बाद में है आपका ग्रीन हाउस, उसके बाद में बहुत सारी बातें अभी बची हुई हैं ऐसे जो आउट ऑफ एनसीईआरटी, जिनको भी मैं आपको बताऊंगा वो समय आने पे बताऊंगा, जैसे टॉपिक आता जाएगा उसका रिलेवेंट आउट ऑफ एनसीईआरटी बता दूंगा। तो यहाँ से ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बातें हैं, तो देखिए ग्लोबल वार्मिंग का पहले कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है। ग्लोबल वार्मिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, ग्रीन हाउस गैसेज जो होती है एब्जर्व लॉन्ग वेव रेडिएशन फ्रॉम द अर्थ एंड एमिट इट अगेन टुवर्ड्स द अर्थ। इसमें क्या समझना है, ऐसी गैस जब बढ़ जाती है एटमॉस्फेयर, जैसे CO2 बढ़ गया, NO2 वगैरह बढ़ गया, जब ये गैसेस बढ़ जाती हैं तो लाइट आती है, ऑब्वियसली लाइट आती है अर्थ पर और अर्थ गर्म होती है वापस, वो रेडिएशंस जो वापस चली जानी चाहिए कहाँ, हमारे एटमॉस्फेयर से जहाँ ह्यूमन रह रहा है या जो ह्यूमन को नुकसान पहुंच सकता है उससे तो वो बाहर निकल जाती थी। लेकिन अभी क्या है, हमारे इस एटमॉस्फेयर में ऐसी गैसें बढ़ चुकी हैं जो उन टेम्परेचर को एब्जॉर्ब कर लेती है अपने मॉलिक्यूल्स में, तो टेम्परेचर बाहर जाने के बजाय हमारे आसपास ही वो टेम्परेचर रुक जाता है इन जो है ग्लोबल वार्मिंग वाली गैसों की वजह से, राइट। इसलिए हमारा जो आसपास का टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है, ये इसका कॉन्सेप्ट होता है, बात आया समझ में, यस। अब इसमें याद रखिएगा ये रेशियो आपसे बहुत पूछता है, सबसे ज्यादा है आपका CO2, CO2 के बाद याद रखना है आपको CH4, CH के 4 बाद याद रखना है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसका भी कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा, फिर आपको याद रखना है N2O, ये N2O है, इस पे भी याद रखना है ना, N2O है ये। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपको बात क्या याद रखनी है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है इसमें क्लोरीन फ्री रेडिकल बनता है, और एक क्लोरीन फ्री रेडिकल ओजोन से रिएक्शन करता है, आपको सबको पता होगा, और ये आगे चल के आपका ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन फ्री रेडिकल बना देता है, और फ्री रेडिकल क्या होते हैं, हाईली एक्टिव होते हैं, हम यदि बुढ़े होते चले जाते हैं या हमारी स्किन ढीली होती चली जाती है तो फ्री रेडिकल ही वजह होता है हमारी ह्यूमन बॉडी में भी, जितने ज़्यादा फ्री रेडिकल को हम डिस्ट्रॉय करेंगे। विटामिन सी हम क्यों कहते हैं, कभी कोरोना के टाइम भी या डॉक्टर आपको कहते हैं कि विटामिन सी लीजिए, क्योंकि विटामिन सी विटामिन ई ये सब एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट का मतलब होता है फ्री रेडिकल्स को किल करते हैं, ठीक है। फ्री रेडिकल किल होता है तो हमें डैमेज कम होता है, अदरवाइज फ्री रेडिकल बहुत डैमेज करते हैं, एटम बम में भी यही होता है, एटम बम में बहुत फ्री रेडिकल बनते हैं वो भी बहुत डैमेज करते हैं, तो इसमें याद रखना ये परसेंटेज या रेशियो आपसे बहुत पूछता है, ओके। ये भी कहता है अर्थ का टेम्परेचर 5 सेंचुरी में कितना बढ़ा है, 0.6 डिग्री बढ़ा है, ये भी आपसे पूछता है, और आने वाले टाइम पर कितना बढ़ जाएगा ये भी आपसे पूछ लेता है, तो वो 1.2 के आसपास से देख लेना। अच्छा एक यहाँ से इंपॉर्टेंट है अल नीनो इफेक्ट में याद रखना, अल नीनो इफेक्ट करता क्या है, अल नीनो इफेक्ट जो होता है उसकी वजह से पोलर पर आइस वगैरह पिघलने लग गई है, मतलब इसने किया क्या एक्चुअल में, टेम्परेचर वगैरह बढ़ा है राइट, तो क्लाइमेट में चेंज हुआ है। अल नीनो इफेक्ट जो होता है उल्टा करता है, अल नीनो इफेक्ट बहुत बरसात लेके आता है, लेकिन एक और इफेक्ट होता है जो अभी रिसेंटली चल रहा है, वो इफेक्ट ऐसा करता है कि वो बारिश लेके आएगा लेकिन सर्दियों के मौसम में लेके आएगा, वो शायद मैं आपको दिखा देता हूँ, वो इफेक्ट एक अल नीनो इफेक्ट होता है, एक इफेक्ट और होता है उसके साथ साथ, दोनों को समझना आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, अनलिलो और एक है लूलिलो, पता नहीं क्या नाम उसका यार, तो आप वो एनसीईआरटी में नहीं होता, आउट ऑफ एनसीईआरटी होता है, तो जस्ट मैं कहना चाह रहा हूँ उस पर भी आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हाँ वो अभी लेटेस्ट में न्यूज़पेपर में देखा था, तो उसको देख लेना आप और पढ़ लेना, वो काफी इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए, ओके समझ गए। चलिए ये सारी बातें आपको जाननी है। उसके बाद में है, अब वो मुझे याद नहीं आ रहा कौन सा इफेक्ट है वो, लेकिन जो है अभी रिसेंट ही आया है, लेकिन वो रिसेंट वाले क्वेश्चन क्या हैं कई बार नीट एग्जाम में आ जाते हैं, एक्चुअली इकोलॉजी में हर साल ये रिकॉर्ड रहा है, नेक्स्ट रिसेंट क्वेश्चन होते हैं वो लोग पूछ लेते हैं, ठीक है, तो जरूर उस पर ध्यान दीजिएगा। फिर यहाँ पर ओजोन की बात हो रही है, तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछता है गुड ओजोन किस में मिलती है,
तो ये भी आपसे पूछना है, ठीक है। यूवी रे जो होता है, यूवी बी जो होती है, वो यूवी बी हमें क्या करती है, कैटरेक्ट कर सकती है, ठीक है, और हमारे कॉर्निया को डैमेज कर सकती है, रेटिना को डैमेज कर सकती है। तो ये आपसे पूछेगा उसकी मोटाई किससे नापते हैं अपन, डॉप्सन यूनिट उसकी मोटाई के लिए होता है। क्लोरोफ्लोकार्बन का मैं कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, फ्री रेडिकल इसमें बनते हैं, ठीक है। तो ये सब लोग तुम जानते ही हो, है ना। ये रहा आपका यूवी बी, स्नो ब्लाइंडनेस हो जाता है, स्नो ब्लाइंडनेस हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाती है हमारे कॉर्निया में, और हो सके आपका परमानेंट डैमेज ही हो जाए कॉर्निया। बताया समझ में। ओजोन होल भी आपको याद रखना है, ओजोन होल याद रखिएगा, और ओजोन होल का डायग्राम भी आपको याद रखना है। डायग्राम में, ये डायग्राम की फोटो ये कब ली गई थी, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है, वो डायग्राम की जो फोटो है वो किस महीने में ली गई थी, किस महीने में ये डायग्राम आपको बनता हुआ देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो ये वाला क्वेश्चन ही मत गलत करना, ये वाला है ना, इस पे नीचे लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन इस फोटो के बारे में, तो याद रखिएगा ये फोटो किस कलर की दिख रही है, पर्पल कलर की दिख रही है, कहाँ पे लिया गया था, अंटार्कटिका में लिया गया था, ठीक है ना। ये भी क्वेश्चन पूछता है, देखो कितने घटिया घटिया क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। दूसरा है, महीना पूछता है अगस्त और अर्ली अक्टूबर में, है ना, ये उस टाइम ऐसा उस टाइम बना था, तो ये याद रखना, इस तरीके की बातें पूछ लेता है, है ना। क्वेश्चन बनाने वाले का दिमाग है, कैसे तुम्हें अटकाना है। चलो और है, यहाँ से आप याद रखिएगा, यहाँ से आपको याद रखना है सॉइल इरोजन और ये सब वाटर लॉगिंग वगैरह मैं आपको बता देता हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जब बरसात होती है तो बहुत सारी मिट्टी बह के चली जाती है, राइट, तो सॉइल इरोजन, उसके साथ उसके मिनरल्स न्यूट्रिशन भी चले जाते हैं, ओके यस, और जो लेयर है वो लेयर भी खत्म होने चली जाती है, ऐसा यहाँ पर होता है। उसके बाद में है सॉइल सैलिनिटी या वाटर लॉगिंग क्या होता है, हम क्यों कहते हैं कि ज़्यादा बाढ़ आएगी, ज़्यादा फ्लड आएगा तो हमको दिक्कत होगी, क्यों दिक्कत होगी, क्योंकि पानी तो बहुत सारा आ रहा है, तुम्हें दिक्कत क्या है, दिक्कत यह है कि वो खारा पानी है, उसमें सैलिनिटी बहुत ज़्यादा है, जब उसमें सैलिनिटी बहुत ज़्यादा होती है तो वाटर लॉगिंग हो जाती है, मतलब हमारे खेतों में खारा पानी बहुत ज़्यादा जम गया है। जब खारा पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है तो अकॉर्डिंग टू ऑस्मोटिक प्रेशर आप सब लोग जानते ही हैं, उल्टा प्लांट से ही पानी बाहर आ जाता है, उल्टा प्लांट बेचारा प्लाज्मोलाइसिस से ही मर जाएगा, बताया समझ में। तो ये उसका नुकसान होता है, वाटर लॉगिंग होता है, एक जगह पर बहुत सारा पानी भर गया है, खारा पानी भर गया है, ऐसे मान सकते हो आप, ठीक है। और सॉइल का पीएच चेंज हो जाता है, सॉइल में सैलिनिटी हो जाती है, तो ये उसका नुकसान है। अच्छा, उसके बाद में डिफोरेस्टेशन से बहुत क्वेश्चन आता है, उसके बाद में आपको आउट ऑफ एनसीईआरटी चीजें बताऊंगा, एक एनसीईआरटी खत्म कर देता हूं। तो देखिए डिफोरेस्टेशन से क्वेश्चन आता है, 40% जो फॉरेस्ट होते हैं वो अभी तक हम खो चुके हैं, लेकिन कहां पे खो चुके हैं, ट्रॉपिकल रीजन पर, ये भी याद रखना है ना, और 1% हमने कहां पे खो दिए हैं, टेम्परेट रीजन पे खो दिए हैं, ओके, ये भी इंपॉर्टेंट होता है, ओके। उसके बाद में आगे बात करें, डाटा ही पूछता है इसमें, फॉरेस्ट कवर्ड अबाउट 30% ऑफ द लैंड ऑफ द इंडिया, याद रखना 20th century में 30% जो इंडिया का जो लैंड था उसका 30% जो है फॉरेस्ट से कवर्ड था, लेकिन जब एंड ऑफ द सेंचुरी देखते हैं, 20th century के एंड में जब आप देखते हैं तो ओनली 20.454% जो है वहां तक आ चुका है, 30 से 21 पे ये आ चुका है ना। ये पॉलिसी है, ये भी पूछ लिया जाते हैं, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी कब बनाई थी, 1988 में, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये पॉलिसी ये कहती है कि यदि आप प्लेन पे रह रहे हैं, प्लेन एरिया में 33% होना चाहिए फॉरेस्ट, और यदि आप पहाड़ी एरिया पे रह रहे हैं तो वहां 67% फॉरेस्ट होना चाहिए इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग, लेकिन आजकल ऐसा नहीं हो रहा और हम लोग डिफोरेस्टेशन कर रहे हैं, हम जो है फसल्स को काट के जला देते हैं, ये सब बहुत सारे टाइप है। तो स्लैश और बर्न एग्रीकल्चर हुआ, जिसको अपन झूम कल्टीवेशन वगैरह भी कहते हैं, ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट वगैरह में ज़्यादा फेमस होता है, ठीक है ना। हाँ, तो इससे भी काफ़ी नुकसान पहुंच रहा है, तो इसलिए हमको क्या करना चाहिए, रिफॉरेस्टेशन करना चाहिए। डिफॉरेस्टेशन करने से जो बेचारे जंगली जानवर उनको भी काफ़ी नुकसान हो रहा है, ठीक है। तो ये सारी बात तुम भी सब लोग जानते हो, उसमें इस टॉपिक में और होता है क्या है, अमृता देवी बिश्नोई अवार्ड किसके लिए मिलता है, चिपको मूवमेंट किससे रिलेटेड था, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछता है, उसका नाम क्या था, बहुगुड़ा, है ना, याद रखिएगा, अभी भी जिंदा है, अभी शायद मरा नहीं है वो, है ना, इसको चलाने वाला। और ये जॉइंट फॉरेस्ट मूवमेंट 1980, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है। अब मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसी बातें जो आपके लिए काफ़ी फायदे वाली होने जा रही हैं, और जो आपको अब पूरी पीपीटी में आपको रिवाइज बताने वाला हूं, जो आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन आपका गलत ना होगा। तो देखिए सुन लीजिए, ये साइलेंट स्प्रिंग, जो बच्चे लेट आए उनके लिए मैं बता रहा हूं, साइलेंट स्प्रिंग ये बुक है, इसको लिखा था रेचेल कार्सन, इसकी राइटर हैं, किसके बारे में लिखा था, तो वही बात मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, अबाउट द पेस्टिसाइड, मतलब ये इकोलॉजी पे लिखी थी उसने, लेकिन पेस्टिसाइड का कंट्रोल यूज करना चाहिए उसके बारे में ये बात लिखी थी। ये क्वेश्चन आ चुका है नीट 2015 में, तो याद रखना है इस क्वेश्चन को, ये आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद मैं आपको बता दिया कि आपकी सी गल होती हैं,
तो जो सी गल होती है कि मछलियों को भी खाने वाली एनिमल हैं ये बर्ड्स हैं, उनमें और ज़्यादा आपको डीडीटी देखने को मिलेगा। और इसी डीडीटी के ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन की वजह से जो एग है, एग का जो सेल है वो थिन होता चला जाता है, जिससे जो चूजा है, जो बच्चा है, वो जल्दी से फड़फड़ा के बाहर निकल जाता है। कभी पूरा वो मैच्योर नहीं हुआ, फिर भी वो बाहर आ गया तो वो जल्दी उसकी डेथ हो जाती है। प्री मैच्योर कह सकते हैं अपन, प्री मैच्योर जो है बच्चा बाहर आ जाता है। बताया समझ में? ओके, तो ये याद रखिएगा। यस, ओके। अब ये इस सब में आपका दर्द रहा होगा, सीओपी, कॉम्प्रेंस ऑफ पार्टी। ये सीओपी हर साल नीट में एक क्वेश्चन सीओपी का आता ही आता है, और बच्चे गलत करते ही करते हैं, याद रखना इसको बहुत अच्छे से। चलिए, इसके लिए हमारे पास एक ट्रिक है, और उस ट्रिक को भी हम आपको बताएंगे, लेकिन ट्रिक कुछ टाइम के बाद स्टार्ट होती है, तुरंत स्टार्ट नहीं होती। यानी कि 1 और 3 तो आपको याद रखने पड़ेंगे, COP 1 और COP 3, इनसे ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं, 2 तो आपको याद रखने पड़ेंगे। COP 1 हुआ था 1995 में, कहां? बर्लिन, यानी कि जर्मनी में। तो उन्हें बहुत हॉलीवुड की मूवी देखी होंगी, बर्लिन में ज्यादातर शूट होता है, राइट। और COP 3 जो होता 1997 में, इससे लास्ट ईयर क्वेश्चन आ चुका है, ये क्योटो प्रोटोकॉल है ना, ये क्योटो प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है? COP 3 से। ये भी क्वेश्चन आपसे आ चुका है 1997 में। उसके बाद की हमारे पास ट्रिक है, और आने फ्यूचर में होने वाले की भी हमारे पास ट्रिक है, याद रखिएगा। इसके बाद 2005 में हुआ है, राइट। तो जो आपको ईयर दे रखा है, जैसे मैं आपसे पूछता हूं, बताइए 2016 का बताइए मुझे, यदि मैं आपसे पूछ लेता हूं, बताइए 2016 में कौन सा सीओपी हुआ होगा, सीओपी का नंबर बताइए, और ये आपसे क्वेश्चन आ गया, तो अब आप क्या करेंगे? यदि आपको ईयर दे दिया और आपसे सीओपी का नंबर पूछा, तो आप क्या करने जा रहे हैं? इसका एक सबसे अच्छा मेरे पास ट्रिक है, 1 और 3 को छोड़ देना, ठीक है, 1 और 3 को छोड़ देना, बाकी सब में अप्लाई है। आप जो भी आपको ईयर दे रखा है उसमें +6 ऐड कर दीजिएगा, 2016 में आप 6 ऐड करके देखिएगा क्या आंसर आएगा, 22, लास्ट डिजिट में ऐड करो, लास्ट डिजिट में, ठीक है। तो क्या हो गया, 16 + 6 = 22, यानी कि 2016 में कौन सा सीओपी होगा, 22, सीओपी नंबर 22। बात आया समझ में? अब जैसे आपके पूरी लिस्ट आपके सामने दे ही रखी है, तो वो पूछते क्या है, एक तो ये उनका तरीका है, ईयर दे देगा, सीओपी का नंबर पूछ लेगा, दूसरा तरीका है सीओपी दे देगा और उनका ईयर पूछ लेगा, तीसरा तरीका है सीओपी दे देगा और स्पेस पूछेगा, प्लेस पूछेगा कि वेन्यू कहां था। तो याद रखना, जैसे ये पूछा था डोहा, हमारे टाइम 2013 में जब हमने दिया था नीट उस टाइम, तो ये डोहा कतार वाला पूछा था, पहली बार हमारे टाइम ट्रेंड हुआ था उल्टा पुल्टा, ठीक है, बाद में ये ऐड करने लगे इन चीजों को। तो ये साइलेंट वैली भी जो है काफी खतरनाक क्वेश्चन है, ये भी पहली बार नीट में देखने को मिला, ये भी नया क्वेश्चन ही है। तो 2012 में डोहा कतार, ये याद रखना। अब मैं आपसे पूछ लेता हूं, यहां 2018 तक का डाटा है आपके पास, 2018 में कौन सा सीओपी रहा होगा बताइए, 2018 में 6 ऐड कर दो, क्या हो जाएगा, सीओपी 24। अभी क्या चल रहा है, उसका ये पूछने का तरीका है, वो करंट पूछ लेता है, करंट। अभी मान लीजिए सीओपी तुमसे पूछेगा, बताइए 2020 में कौन सा सीओपी रहा होगा, तो क्या ऐड कर दोगे तुम 2020 वाले के लिए, बताओ, 6 ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, सीओपी 26। बात आया समझ में? इस पूरी टेबल को याद रखना, पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, लेकिन ये पूरा इंपॉर्टेंट है, सीओपी से क्वेश्चन आता है, वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट है। अब आगे चलिए, आगे ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूं, फिर भी याद रखना, नेशनल एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, इंसेक्टिसाइड एक्ट 1968, आउट ऑफ एनसीईआरटी याद रखिएगा, वाटर का दे रखा है एनसीईआरटी में, एयर का भी दे रखा है, पॉल्यूशन को कब ऐड किया, ये भी क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद में यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन और भी है आपके लिए, जैसे यहाँ पर क्लाइमेट चेंज के लिए क्योटो प्रोटोकॉल, ये भी आपके एनसीईआरटी में अच्छे से दे रखा है, ये भी आपसे पूछता है। वर्ल्ड समिट कहाँ हुआ था, जोहान्सबर्ग में हुआ था 2002 में, ये भी आपसे पूछता है, ठीक है, ये जापान में हुआ था, ये भी आपसे पूछेगा, इंपॉर्टेंट है। इसमें कितने कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था, इसमें मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल अलग है, क्योटो प्रोटोकॉल अलग है, क्योटो प्रोटोकॉल क्लाइमेट चेंज के ऊपर हुआ था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन डिप्लीशन के ऊपर हुआ था, है ना, ये ओजोन डिप्लीशन के ऊपर हुआ था, इसमें 175 कंट्रीज ने भाग लिया था, इफेक्टिव हुआ था 1989 में, तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछता है, 175 कंट्री ने साइन किया था, ठीक है। चलिए, और ये मैं आपको बता चुका हूँ, ये पूरा डेसिबल वगैरह कितना होता है ये बता चुका हूँ, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, डेफेनिया, ठीक है, कौन सा पॉल्यूशन के लिए इंडिकेटर होते हैं और कौन सा पॉल्यूशन के लिए इंडिकेटर नहीं होते हैं, ये सब इंपॉर्टेंट है आपके लिए।
ओके, बायोमैग्निफिकेशन पूरा बता चुका हूँ, ये भी आपके लिए पूरा इंपॉर्टेंट है, भारत स्टेज सेकंड वगैरह बता चुका हूँ। अब यहाँ से कुछ और बातें हैं जो नीट में आपसे पूछता है इस मॉक के बारे में। हालांकि ये बातें आपने केमिस्ट्री का, जो केमिस्ट्री इन डेली लाइफ, उसके अलावा एक और एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, उसमें आपने पढ़ा होगा 11th क्लास के चैप्टर में। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, लॉस एंजल्स में या इसको फोटो लॉस एंजल्स स्मोक या इसको फोटो केमिकल स्मोक भी कहते हैं। अब इस स्मोक में इंपॉर्टेंट बात आप आराम से समझ लेना, बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। यस, ये लाइट इंड्यूस था, ध्यान रखना, और इसमें यूज किया था पान, लिख रहा हूं जिनको नहीं दिख रहा, ओजोन प्लस आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये इन तीनों से मिलकर बना था। ये भी गैस आपसे पूछता है, ये गैस आपसे पूछता है, बताया समझ में। यस, तो इसे इंफ्रारेड वगैरह लिख रही, इससे ह्यूमन का लंग्स वगैरह जो है डैमेज हो गए हैं, आईज वगैरह आंखें वगैरह डैमेज हो गई थी, बताया समझ में। ये इंपॉर्टेंट है, मेनली इसमें बनता है पान, पान तो आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, राइट। ये क्या करता है, आपका जो पी एस सेकेंड था, उस पी एस सेकेंड में आपको याद आ रहा है पी एस सेकेंड से रिलेटेड होता है कौन, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, वाटर का स्प्लिटिंग रिलेटेड टू द पी एस सेकेंड। तो वाटर स्प्लिट होगा तभी तो इलेक्ट्रॉन की पूर्ति होगी पी एस सेकेंड के पास। तो ये पान क्या करता था, पी एस सेकेंड में वाटर स्प्लिट को रोक देता था, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस एक मैकेनिज्म रुक जाती थी अपनी, जेड स्कीम रुक जाती थी, बताया समझ में। तो इस तरीके से नुकसान पहुंचा रहा था ह्यूमन में, लंग्स वगैरह को, आईज वगैरह को, स्किन को नुकसान पहुंचाता था। दूसरा है आपका लंदन स्मॉग, लंदन स्मॉग, और इसमें दोनों में अंतर क्या है कि लॉस एंजल वाला जो स्मॉग होता है ये हाई टेम्परेचर में बनता है, ये हाई टेम्परेचर मतलब खूब धूप पड़ रही है आराम से, ठीक है, फिर भी आपका स्मॉग नजर आएगा। जबकि लंदन स्मॉग जो होता है जैसे ठंड का, बिल्कुल ठंड है, तो ये लो टेम्परेचर पे बनता है, ये दोनों में डिफरेंस है, इस पे पूरी तरीके से याद रखिएगा। इसकी गैस है पान, ओजोन एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड, और इसकी गैस है आपकी सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह, है ना। तो इसमें क्या बनता है, मेनली H2SO4। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, H2SO4 क्या हो गया है, वेपर फॉर्म में है। तो बहुत सारे लोगों ने इसको इनहेल कर लिया, तो बहुत सारे लोग उस टाइम इसमें मर चुके थे, बहुतों की डेथ हो गई, लगभग 4000 से ज्यादा लोग इसमें मरे थे उस टाइम, ठीक है, तो याद रखिएगा। दूसरा है आपसे यहाँ पर एसिड रेन, एसिड रेन का भी क्वेश्चन लेटेस्ट है, ये भी हालांकि केमिस्ट्री में है लेकिन यहाँ पूछेगा आपसे, NO2 SO2 मिलकर के ये HNO3 बना देगा, ये H2SO4 बना देगा, दोनों ही एसिडिक रेन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। फिर यहाँ से क्वेश्चन पूछता है वेट डिपोजिशन एंड ड्राई डिपोजिशन, इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट एग्जाम, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद में pH आपसे पूछता है, एसिडिक pH का, एसिडिक जो सॉइल होती है उसका pH कितना होता है, तो लेस देन 5.6 ये आपसे पूछेगा। एसिडिक रेन में कितना परसेंट H2SO4 है आपका, 70%, HNO3 कम होता है ना, ये परसेंटेज भी आपसे पूछ लेता है। और ये ताजमहल या लाल किला अपना जो है रेड फोर्ट दिल्ली का, उसमें भी काफी नुकसान ये पहुंचा रहा है, तो ये रिसेंट बातें हैं, मतलब आप लोग काफी पढ़ते होंगे। सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये वाले सारे के सारे आपको डेज याद रखने हैं, क्योंकि रिसेंट क्वेश्चन आ चुका है, ओजोन डे कब मनाया जाता है, एनवायरमेंटल डे कब मनाया जाता है, ठीक है। तो इस पर अच्छे से पढ़ लेना एक एक चीज, मैं एक एक आपको चलो बता देता हूँ, जिनको लिखना है लिख लेना। देखिए इसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन से है बता देता हूँ, अर्थ डे, अर्थ डे है आपका 22 अप्रैल, ये पूछेगा आपसे, ये इंपॉर्टेंट है, और बाकी जो बता रहा हूँ वही याद रखना। वर्ल्ड एनवायरमेंट डे है आपका 5 जून, ये भी आपसे पूछता है, ओके। उसके बाद में वर्ल्ड पॉपुलेशन डे आपसे पूछता है 11 जुलाई, याद रखिएगा। वर्ल्ड ओजोन डे अभी रिसेंट पूछा है 16 सेप्टेम्बर। फॉरेस्ट डे आपसे पूछ सकता है 21 मार्च, ओके, तो ये सब याद रखिएगा। उसके बाद में नेशनल एनवायरमेंट डे 2 दिसंबर, ठीक है, और भोपाल ट्रेजेडी कब हुई थी, 3 दिसंबर को, और भोपाल जो ट्रेजेडी हुई थी, भोपाल गैस ट्रेजेडी, उसमें मिथाइल आइसो साइनाइड गैस बना था, आपको पता ही है। और अभी मोदी जी ने लॉन्च किया ना किसानों के लिए सॉइल हेल्थ कार्ड, वो 2015 में किया था, है ना, तो 2050 को अपन सॉइल डे भी मनाते हैं, ठीक है, ये भी याद रखना है आपको, ओके। यस, इंटरनेशनल ईयर ऑफ सॉइल तो मोदी ने भी लॉन्च किया था। तो ये सारी बातें थी जो मुझे बतानी थी, और इसमें आप और एक याद रख लीजिए चीजें, BOD और OD का रिलेशन ध्यान रखिएगा, या डिजॉल्व ऑक्सीजन, तो मैं आपको बढ़ाया, BOD जो होता है वो डिजॉल्व ऑक्सीजन का क्या होता है, इनवर्स होता है, जहां पर DO ज्यादा मिलेगा वहां पर BOD क्या मिलेगा, कम मिलेगा। तो ये सारी बातें थी जो मुझे बतानी थी, और भी यहां पर जैसे ऑटोमोबाइल है, तो ऑटोमोबाइल से किस तरीके से पॉल्यूटेंट निकलते हैं, वो हमारे जो कैटलिस्ट होते हैं प्लेटिनम, पैलेडियम, रोडियम, उनको इनहिबिट करते हैं, जैसे हमारा लेड वगैरह हुआ, राइट, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह ज्यादा जो निकलते हैं ये नुकसान पहुंचाते हैं। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी वगैरह मैं आपको बता ही चुका हूँ, ठीक है। भारत स्टेज 4 जो है आपका अप्रैल 17 से लागू हो चुका है, अप टू डेट डाटा है जो आपके NCERT में भी अप टू डेट कर दिया है, ओके। तो आई होप आपको ये कहानी सारी समझ आई होगी, मैंने कोशिश की है
बहुत कम टाइम में आपको मैक्सिमम चीजें समराइज कराने की, जिससे आपका भी फायदा हो और आप जब मेन एग्जाम में जब आप बैठने जाएं तो आपको समझ आए कि हाँ सर, हमने 40-45 मिनट में या एक घंटे में वो चीजें गेन की हैं जो अब हमसे ये चीजें आगे गलत नहीं होंगी, और आपका एक एक क्वेश्चन बन जाएगा। अब इस चैप्टर के आप प्रीवियस क्वेश्चन भी कर लेना, इसको देखने के बाद पूरा ईयर वगैरह याद कर लेना, डे वगैरह याद कर लेना। इसके PDF आपको डिस्कशन में जरूर डलवाऊंगा, क्योंकि इसमें सारा डाटा है और डाटा आपको याद होना चाहिए। ओके, तो अभी आप मुझसे जो भी डाउट है पूछ सकते हैं, और आपको सेशन अभी अच्छा लग रहा है तो अभी के अभी लाइक करिए और आपके दोस्तों में पूछ लीजिए, दोस्तों में शेयर कर लीजिए, बस बताइए। बिल्कुल, ओजोन डे भी कई बार आ चुका है। चलिए अभी मुझे बताइए। हाँ विनोद राजपाल, अभी हम क्या सिखा रहे हैं? बेटा तुमसे बहुत पहले मैं नीट क्रैक कर चुका हूँ, तुमसे बहुत पहले 2012 में, तो मैंने 12th ही कर लिया था, है ना। 2 साल मैंने BDS किया, MBBS गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से किया, कितनी बार मैंने नीट की तैयारी किया मुझे खुद पता है, कब से मैं पढ़ा रहा वो भी मुझे पता है, है ना। तो 2012 में मैंने 12th किया, अब 20 चल रहा है, 8-9 साल का मेरा वैसे एक्सपीरियंस है तुम्हारी NCERT को पढ़ने का और पढ़ाने का। तो इस मोमेंट पे क्या करना है, इस मोमेंट पे करना है कि 40-45 मिनट एक घंटे में ही पूरे चैप्टर का निचोड़ दे देना, और इस तरीके से निचोड़ देना जो काफ़ी इफेक्टिव हो, जो काफ़ी आपकी नीट एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन आपके बने। ये नहीं कि कचरापंथी, बिल्कुल कचरापंथी में नहीं करता मेरे किसी लेक्चर में, आप देखना आपको फील आएगा, आपको समझ आएगा कि सर आपके लेक्चर को देखने के बाद कॉन्सेप्ट खुल गए, रटना भूल जाओगे और चीज़ों को समझना सीख जाओगे और क्वेश्चन बनाना सीख जाओगे कि एग्जैक्टली क्वेश्चन आता कैसे है। ठीक है, चलिए। हाँ, इंसिटू और एक्सिटू जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर लेंगे, आप चिंता मत करिए। इससे जो जस्ट पीछे वाला, इससे जस्ट पहले वाला चैप्टर है इकोलॉजी का, वो भी मेरे हिस्से में है, उसको मैं ही पढ़ाऊंगा। ठीक है, उसको भी मैं आपको विद बेस्ट एक्सप्लेनेशन आपको बताऊंगा। इंसिटू एक्सिटू जो भी आपके डाउट है उस चैप्टर रिगार्डिंग, आपका सिंगल वन डाउट नहीं बचेगा। ओके, चलिए। हेलो वनराज, हेलो कृष्णा, अब भी कोई आपका डाउट है तो बताइए, किसी को डाउट है तो जस्ट 30 सेकंड आप बता सकते हैं मेरे को। ठीक है, और जब मैं आपसे बस यही कहना चाहूंगा, इस पैनिक टाइम पर देखो आप सभी का मोटिव, चाहे कोरोना है चाहे कोरोना नहीं है, गवर्नमेंट जो कर रही है, मैं बार बार कहता हूँ गवर्नमेंट आपके लिए काफी पैनिक काम कर रही है, लेकिन आपको ऑब्वियसली नीट एग्जाम देने जाना है क्योंकि आपको डॉक्टर बनना है, आप सबका ड्रीम आंखों में यही होता है हमें डॉक्टर बनना है। उसके लिए आपको स्ट्रांग रहना पड़ेगा, उसके लिए आपको खुद से ऑनेस्ट रहना पड़ेगा। आप पढ़ना मत छोड़िए, आप कभी सिलेक्शन के लिए मत पढ़िए, आप पढ़िए नॉलेज के लिए। आप नॉलेज के लिए पढ़ोगे तो आपका अपने आप कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और अपने आप आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो मन में लालच नहीं लेके आना है, ग्रीडी फीलिंग नहीं लेके आनी, मन में मेहनत लेके आनी है, हार्ड वर्किंग लेने आनी है। दूसरों को क्रिटिसाइज करना कम करके खुद को क्रिटिसाइज करो, खुद को अपग्रेड करो, खुद को समझाओ कि यार मैं पहले गलत था, अब मैं सही कर रहा हूं, अब मैं और सही करूंगा। डे बाय डे आपने खुद को इंप्रूवमेंट किया, वन डे आपको फील आएगा कि अब मैं डॉक्टर बनने लायक हूं। जिस दिन आपको फील आ जाएगा ना कि मैं सच में MBBS में जाने लायक हूं, गवर्नमेंट MBBS में जाने लायक हूं, उस दिन आपको मजा आ जाएगा और अब उस दिन आप सिलेक्शन ले लोगे। ठीक है ना, तो खुद पे मेहनत भी जरूरी होती है डियर। ओके चलिए, ओके ओके। हाँ तो मेरी पढ़ाई तो चल रही, तो मेरी मैं टेंशन लो, है ना, PG की प्रिपरेशन वगैरह वो सब चलता रहता है डियर, वो मेरा काम है, लेकिन मैं जस्ट कोशिश कर रहा हूँ तुम्हारा पहले NEET UG निकले, है ना, वो तुम्हारा NEET UG NEET PG और आगे करना तो काफी टाइम पड़ा है, सब लोग करते हैं, वो कॉलेज में घुसने के बाद सब सीख जाओगे तुम क्या नहीं करना क्या नहीं करना, राइट। लेकिन अभी पहला तुम्हारा पहला CD है NEET UG, तो पहले तुम पहले CD पे जाइए। उसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ, मेरी तरफ से मेरी लाइफ का जो एक्सपीरियंस है उसको मैं तुम्हारे लिए अप्लाई कर रहा हूँ, जो तुम्हें बेस्ट मिले, जिस मैं प्लेटफॉर्म पर काम कर रहा हूँ उस प्लेटफॉर्म से तुम्हें बेस्ट मिले, ये मेरी कोशिश है। ओके, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और आपके दोस्तों में शेयर करना प्लीज ना भूलिएगा। आपका लाइक शेयर कमेंट यही मेरा मोटिवेशन है, इससे मन करता है आपके लिए और अच्छे कॉन्सेप्ट लेके आए और मेहनत से पढ़ाऊँ, बात आया समझ में। तो मेरा वैल्यूबल नॉलेज और वैल्यूबल टाइम आपके लिए और काम आए, तो उसके लिए वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। ओके, मिलते हैं विद नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।